ओके हेलो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 1.3 ऑफ दिस चैप्टर रियल नंबर, चैप्टर नंबर 1 स्टैंडर्ड 10। एंड अब इस एक्सरसाइज 1.3 को करने के लिए आपको पहले आपके जो दो एग्जांपल्स हैं इस एक्सरसाइज 1.2 के 1.3 के पहले, वो आपको समझने पड़ेंगे। तो पहला तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो इसके अंदर दिया हुआ है कि आपका प्रूव दैट, मैं ये क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, मीन्स रूट 5 ये इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू वाले फॉर्म में या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह वाले फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो ये इरेशनल नंबर्स हैं, इनको प्रूव करने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो ध्यान रखने पड़ते हैं, जिसमें आपको ये थ्योरम जो आपका थ्योरम इसके अंदर दिया हुआ है 1.3, एंड आपको को प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि ऐसे नंबर्स जिनके बीच में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ऐसे दो नंबर जिनके बीच में 1 के अलावा कोई और दो फैक्टर, कोई और फैक्टर नहीं है, लाइक 6 और 7, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, बस एक ही नंबर कॉमन है, वो है 1। ठीक है, ऐसे ही दो प्राइम नंबर, ये एक कंपोजिट नंबर है और एक प्राइम नंबर, फिर भी उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, तो इन्हें को प्राइम कहा जाएगा एक दूसरे का और किसी के लिए नहीं। और अगर हम सिंपली प्राइम नंबर भी ले लेते हैं तो इन दोनों के बीच में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, प्राइम नंबर्स के बीच में कुछ कॉमन होता ही नहीं, तब भी इन्हें को प्राइम कहा जाएगा। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब इसका इस्तेमाल किस तरह से होगा वो हम देखेंगे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हमें हमारे जो एग्जांपल्स हैं उस एग्जांपल की जो स्टार्टिंग है वो बिल्कुल स्मॉलर नंबर से की हुई है, रूट 2 से। तब अभी हमें यहाँ पर ये साबित करना है कि रूट 2 जो है इज़ इरेशनल, ये हमें प्रूव करना है, इज़ अ इरेशनल नंबर, ऐसा प्रूव करना है। और अगर हमें ये प्रूव, इसको करने के सारे स्टेप्स अगर हमें समझ में आ जाते हैं, हम याद कर लेते हैं और हमारे दिमाग में फिट हो जाते हैं, तो हम बाकी के भी जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं उनके भी हम सम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे समझने के लिए पहले तो इसका जो स्टेटमेंट है इरेशनल है, इसको प्रूव करने का डायरेक्टली कोई सीधा मेथड नहीं है, टेक्निक नहीं है कि ये इरेशनल क्यों है, इसलिए इसका कॉन्ट्राडिक्टरी जो स्टेटमेंट है वो लिया जाता है कि लेट सपोज रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब इस सम को सॉल्व करने के लिए आपको ये रेशनल नंबर पूरी तरह से पता होना चाहिए कि रूट 2 इज़ अ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर की खासियत क्या होती है कि इनको आप पी अपॉन क्यू वाले फॉर्म में लिख सकते हो, इट मींस आप रूट 2 का मीनिंग है कि ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में है। और अब मान लिया जाए, या तो आप डायरेक्टली इनको कह सकते हैं कि इनके ये दोनों को प्राइम नंबर है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सेफ साइड की, क्यों कॉमन हो भी तो सकता है इन दोनों के बीच में, तो हम उसे भी ले लेते हैं कि चलो इनके बीच में कॉमन नंबर है एंड पी एंड क्यू हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 1 के अलावा भी कोई ऐसा नंबर है जो दोनों के अंदर है। तो इसको मैं ऐसे समझाने की ट्राई करूँगा कि मान लो कि ये 6 है और ये 8 है, तो ये हमने P की जगह पे लिया हुआ है और ये Q की जगह पे लिया हुआ है, इसको समझाने के लिए। तो इन दोनों के अंदर ये 2, 4, 8, इन दोनों के अंदर, अंदर मीन्स इनके फैक्टर्स में कोई कॉमन नंबर है, तो जी हाँ कॉमन नंबर है। ठीक है, अगर कॉमन नंबर है तो फिर वो डिवीज़न है बीच में इनके, तो ये कट हो जाएगा, तो ये बचेगा 3/4। ठीक है, तो हमको 6/8 में से कोई नए नंबर मिल रहे हैं, तो इनको हम कुछ और अल्फ़ाबेट से शो कर सकते हैं, ए या बी से। तो इस बात को हमें समझना है कि अगर पी और क्यू कि इनके बीच में कोई 1 के अलावा कोई और फैक्टर है, तो वो फैक्टर तो कट हो जाने वाले हैं, कट हो जाएंगे तो फिर हमें प्राइम नंबर्स मिलेंगे। वो प्राइम नंबर्स को हम दूसरे अल्फ़ाबेट से भी शो कर सकते हैं, ए या बी से। नंबर्स तो आपको समझाने के लिए दे रहे हैं कि अगर इन नंबर्स को कट करेंगे, कॉमन फैक्टर कट होगा, तो एक नया नंबर मिलेगा दोनों के बीच में, उस नए नंबर को हम दूसरे अल्फ़ाबेट से शो करेंगे। और ये दोनों जो हैं को प्राइम है, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 3 और 4 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मीन्स ये दोनों को प्राइम्स हैं। तो यहाँ पर 3 एंड 4 ये को प्राइम्स हैं। तो एक तो ये कंसेप्ट समझ में आया। ठीक है,
अब इस कंसेप्ट का यूज़ यहाँ पे करना है, अगर इनके बीच में अदर देन वन कोई कॉमन फैक्टर है तो वो एक दूसरे को कट करके लास्ट में क्या बन जाएगा, रूट टू इज इक्वल टू ए बाय बी, जो कॉमन फैक्टर होगा वो कट हो जाएगा, सो कॉमन फैक्टर विल बी रिमूव्ड। यू कैन से कॉमन फैक्टर विल बी डिवाइडेड, ठीक है, तो कॉमन फैक्टर जो होगा विल बी डिवाइडेड, जैसा वहाँ हो गया टू टू डिवाइड, वो कॉमन फैक्टर डिवाइड हो गया एक दूसरे के साथ में, तो हमें नया अल्फ़ाबेट मिला ए बाई बी। अब ये दोनों जो हैं यहाँ पर, जो बी है हमारा वो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो होगा तो फिर खेल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जीरो से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आंसर आता है, सो जीरो नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो ए एंड बी जो हैं अभी हमारे, ये दोनों को प्राइम नंबर्स, ठीक है, ए एंड बी, रह गया बी इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो एंड ये दोनों आर, ओके, ए एंड बी, जहाँ पर बी इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो आर, ये को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, मीन्स आर को प्राइम नंबर्स, ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, मीन्स दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर बचा नहीं है, खाली वन ही है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक। सो अब अगर इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम इनको अब इक्वेशन बना करके सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये a इज इक्वल टू हो सकता है b रूट टू, इस b को मैं यहाँ लेकर के आया, ठीक है, तो रूट टू के बगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिख दिया b रूट टू। अब यहाँ पर हमें इस इक्वेशन का स्क्वायर करना है, स्क्वायर इट, स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ करना पड़ता है, a स्क्वायर और b रूट टू का स्क्वायर, तो b रूट टू का स्क्वायर तो ये हो जाएगा b स्क्वायर मल्टीप्लाई टू रूट का स्क्वायर, हमेशा वही आंसर ही आता है, जो नंबर रहता है वही नंबर रहता है, स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर मीन्स ये रूट टू को दो बार मल्टीप्लाई करना है, दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट गायब हो जाती है और टू बचता है, और दूसरी टेक्निक के अंदर हम इसको पावर फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि रूट टू का मतलब 1/2 पावर होता है और ऑलरेडी एक पावर ऊपर है तो ये दो पावर कट हो जाएगी, बचेगा खाली टू। सो मीन्स किसी भी रूट को अगर स्क्वायर करते हैं तो रूट चली जाती है और वो नंबर बचता है। सो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू बी स्क्वायर, तो ये बताना चाहता है कि ये बी स्क्वायर, ये कहना चाहता है कि अगर इस टू को मैं यहाँ लेकर के आऊँ तो ये ए स्क्वायर डिवाइड बाय टू, ठीक है, मींस ए स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हैं टू डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है, हैंस फ्रॉम थियरम, अब हमारी एक जो थियरम है इसी चैप्टर के अंदर दी हुई है थियरम, की थ्योरम 1.3 में अगर ए स्क्वायर कोई नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो जो उसका स्क्वायर रूट होगा उसे भी डिवाइड करेगा, ये थ्योरम 1.3, सो टू डिवाइड्स ए आल्सो, मीन्स टू जो होगा वो उसका जो स्क्वायर रूट है उसे भी डिवाइड करेगा, ठीक है, तो इट मीन्स हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए जो है वो टू ए को टू डिवाइड कर सकता है, इस स्टेटमेंट से हम ऐसा कह सकते हैं कि ए टू को डिवाइड करता है, अब ए टू को डिवाइड करता है, मान लिया जाए कि बस मान ले रहे हैं समझाने के लिए, मान लिया कि अगर ये ए 6 है टू इसको डिवाइड करेगा तो आंसर 3 आएगा, अगर 16 भी होता तो यहाँ पे 8 आता, मीन्स कोई नया नंबर आने वाला है, अगर टू इसको डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड होने के बाद में एक नया नंबर आएगा, तो उस नए नंबर को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर ए टू को डिवाइड करता है तो एक नया नंबर सी मिलेगा, तो अब इसको अगेन फिर से इक्वेशन बना लेंगे हम, ए को ड्राइवर बना देंगे और टू इधर जाकर सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टू सी हो गया, मीन्स ये हमें तो टू की वैल्यू मिल गई, अरे ए की वैल्यू मिल गई टू सी। अब इस ए की वैल्यू को हम, हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन बना था ये वाला दिस वन फर्स्ट वाला जो इक्वेशन बना था कि ए स्क्वायर जो है वो टू बी स्क्वायर के इक्वल होता है, सो इक्वेशन है हमारा ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू तो कितनी आई है टू सी, तो हमें यहाँ पे टू सी का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो अब ये बन जाएगा फोर सी का स्क्वायर और टू को यहाँ लाएंगे तो नीचे ये टू से डिवाइड कर देगा तो बचेगा बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा टू टू ज़ा फोर सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब ये चीज़ क्या बताने की ट्राई कर रही है कि अगर मैं इस टू को यहाँ लेकर के जाऊँ, ठीक है, टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर,
अगर ये यहाँ लेकर के जाऊँ तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइड बाई टू। ये क्या कहना चाहता है कि टू डिवाइड्स बी स्क्वायर मीन्स, ये हमारा फ्रॉम थियरम, फ्रॉम 1.3 थियरम, टू डिवाइड्स बी ऑल्सो। अगर टू बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो टू उसके स्क्वायर रूट, बी के स्क्वायर रूट बी को भी डिवाइड करेगा, ये वो थियरम है। ठीक है, तो इन दोनों केस में हम ऐसा कह सकते हैं कि टू इज़ अ फैक्टर, टू इज फैक्टर ऑफ बी। और यहाँ भी हमने ऐसा बोला कि टू ए का भी फैक्टर है, मीन्स टू ए को भी डिवाइड करता है, ये रहा टू ए को डिवाइड करता है, बट टू इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ ए। तो ये कैसे पॉसिबल है, बिकॉज रूट टू इज इक्वल टू तो ए अपॉन बी है, और दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर कुछ हो नहीं सकता, और ए बी को तो हमने कोप्राइम माना था, एंड इज ऑल्सो बट टू इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ ए, सो दिस कॉन्ट्राडिक्स। अब यहाँ पे स्पेस तो बची नहीं है, तो स्पेस में लास्ट में आपको बता देता हूँ कि अब ये ए बी जो था वो तो कोप्राइम थे, यहाँ पर ये तो कोप्राइम नंबर्स थे ए एंड बी, ठीक है, लेकिन यहाँ तो दोनों के बीच में टू टू कॉमन फैक्टर निकलता है। इसका मतलब जो हमने शुरुआत में माना कि ये ए और बी कोप्राइम नंबर है, या ए और बी रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू है, और यहाँ से फिर ये कोप्राइम नंबर है, ऐसा हमने प्रूव किया था। तो ए बी कोप्राइम नंबर है, मीन्स इनके बीच में अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ऐसा हमने यहाँ पर सपोज किया था। लेकिन यहाँ तो लास्ट में जब प्रूव करते आ रहे हैं तो दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर टू निकल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो इसे रेशनल नंबर माना है ये चीज़ ही हमने गलत मान ली है। अगर इसको रेशनल नंबर मानते हैं तो ऐसा नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर कोई प्राइम को प्राइम ही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कोई प्राइम नहीं हो रहा है और कॉमन फैक्टर टू निकल रहा है। इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल स्टेटमेंट हमने सपोज किया है कि ये रूट टू जो है वो रेशनल नंबर है, लेकिन वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि रेशनल नंबर अगर माना था, कुछ कॉमन फैक्टर था वो भी हमने डिवाइड कर दिया था, अब खाली प्राइम नंबर्स ही बच रहे थे, को प्राइम नंबर्स ही बच रहे थे। को प्राइम नंबर मीन्स बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ तो क्या लास्ट में आ रहा है कि कॉमन फैक्टर है। यहाँ पे अभी हमने प्रूव किया था कि ये कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं बचा इनके बीच में, लेकिन यहाँ पे लास्ट में आ रहा है कि कॉमन फैक्टर टू टू दोनों में बच रहा है। इसका मतलब ये हमारे स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो हमने जो इस चीज़ को सपोज किया है वो सपोजिशन ही हमारा रॉन्ग है। तो मीन्स अगर जो चीज़ रेशनल नंबर नहीं है रॉन्ग हो रहा है, इसका मतलब हमने रेशनल नंबर जो माना है वो गलत माना है। तो रेशनल नंबर ये नहीं है, इसका मतलब अगर रेशनल नंबर नहीं है तो फिर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। दो ही ऑप्शन है, नंबर या तो रेशनल होते हैं या तो इरेशनल होते हैं, तो अगर रेशनल नहीं है तो इरेशनल होगा। तो इस तरह से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, आप यहाँ पर इसको इस तरह से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और आपकी बुक में भी ये दिया हुआ है। मुझे बस ये समझाना था कि ये कंसेप्ट क्या है, और इसी तरह से थ्री का भी दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर थ्री, उसमें भी ऐसे ही समझाया गया है। यहाँ रूट टू के प्लेस पर ऐसा क्या कहा गया है कि अब साबित करिए, शो कीजिए कि ये रूट थ्री जो है वो रेशनल नंबर। तो बिल्कुल सारे स्टेप्स ऐसे ही रहेंगे, बस हमको यहाँ पर रूट थ्री के प्लेस पर, रूट टू के प्लेस पर रूट थ्री रख देना है कि ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलो सपोज कर लेते हैं कि रूट थ्री जो है वो रियल नंबर है, सारे स्टेप सेम वही, मान लीजिए कि रूट थ्री वो रेशनल नंबर है। तो रूट थ्री रेशनल नंबर है, इसका मतलब उसे हम पी बाई क्यू वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जी हाँ, लिख सकते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब दोनों के बीच में माना कि कोई कॉमन फैक्टर है, तो वो कॉमन फैक्टर अगर है भी तो वो एक दूसरे को कट कर देंगे, अगर कुछ है कट कर देंगे तो फिर हमें नए नंबर मिलेंगे, उन नए नंबर को हम ए और बी मान लेते हैं। तो पी और क्यू के बीच में अगर कॉमन फैक्टर अदर देन वन है तो वो डिवाइड कर देंगे, कॉमन फैक्टर विल बी डिवाइडेड बाई ईच अदर, तो बचेगा नया नंबर ए और बी मिलेंगे, तो ये भी रेशनल नंबर है। लेकिन अब ये रेशनल नंबर इस तरह के हैं कि इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो वो कोप्राइम नंबर्स हैं। ये ए और बी कोप्राइम नंबर है, क्योंकि इनके बीच का जो कॉमन फैक्टर था वो तो हमने यहाँ पे डिवाइड करके, अब कुछ भी कॉमन नहीं बच रहा है, वो वाले फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट किया। इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है इनके बीच में, ये कोप्राइम है। अब अगर ये कोप्राइम है तो अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो इस कोप्राइम के रूट के प्लेस पर हम यहाँ पे थ्री रख देंगे रूट टू के प्लेस पर। तो यहाँ पर हम इसको लेकर जाएंगे बी को यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ बी मल्टीप्लाई रूट थ्री। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर किया, तो यहाँ रूट टू के प्लेस पर रूट थ्री होगा। रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो थ्री ही आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर थ्री आएगा।
3b स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन वन बन जाएगा। अब 3a नीचे आएगा यहाँ पर, तो 3 इस a स्क्वायर को डिवाइड करता है, ये 3 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो मीन्स 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 के प्लेस पे हम रख देंगे कि 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, सॉरी यहाँ 3 आना था, 3 a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो यहाँ पे 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। सो फ्रॉम थ्योरम 1.3 अगेन, जो 3 है अगर वो a के स्क्वायर को, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा, ये थ्योरम है। अगर कोई नंबर, कोई इंटीजर या एनी नंबर किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो इस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा उसे भी ये 3 डिवाइड करेगा ही, ये थ्योरम है। अब इसका इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ आगे चलते हैं। तो अगर ये 3 डिवाइड कर रहा है a को, तो मतलब a को 3 डिवाइड करता है, तो फिर से 2 के प्लेस पर 3 लिखेंगे, a को 3 डिवाइड करता है, डिवाइड करेगा तो कुछ आंसर आएगा, उस आंसर को हम c सपोज कर लेते हैं। अब ये 3 यहाँ जाएगा तो ये 3c हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई c। ये अब इसके बाद में हम इक्वेशन नंबर 1 वापस यहाँ पर आते हैं, इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे इस सम में 3b लिया हुआ है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b। अब इस 3b वाले इक्वेशन के अंदर हम a की वैल्यू जो 3c हमारी आई है हम वो रखेंगे, तो यहाँ पर 2 के प्लेस पर फिर से 3c, a के प्लेस पर 3c रखा और उसका स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 9, 3 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 9, और यहाँ पर है 3, और इस 3 को हम नीचे लेकर के आएंगे तो ये इसे डिवाइड करेगा। अब ये डिवाइड करेगा तो 3 3 9 होता है, तो फिर यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है, 3 इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, 3 3 9। अब इस 3 को मैं यहाँ b के पास नीचे लेकर जाऊँगा, तो इस 3 को मैं b के पास लेके जा रहा हूँ, इसे दोबारा लिखा और ये 3 नीचे गया, तो यहाँ पर b स्क्वायर को डिवाइड कर देगा। तो फिर से हम इसी थ्योरम 1.1 पे आ जाएंगे कि अगर ये 3 b स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो यहाँ पर 2 के प्लेस पे फिर 3 लिखेंगे, 3 डिवाइड्स b स्क्वायर को 3 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, मीन्स फ्रॉम थ्योरम 1.3 ये जो 3 है हमारा वो 3 डिवाइड्स b ऑल्सो, मीन्स b का जो स्क्वायर रूट है उसे भी डिवाइड करेगा सेम टू सेम। लेकिन अभी तो हमने क्या देखा कि जो हमारा 3 है, सो इससे क्या पता चलता है कि देयरफॉर ए एंड बी आर डिविजिबल बाय 3, सो 3 इज कॉमन फैक्टर, बट ए एंड बी आर को प्राइम, लेकिन ए और बी तो को प्राइम है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है अपने खुद के ही स्टेटमेंट को, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि रूट 3 को तो हमने रेशनल नंबर माना था, मतलब हम उसे इस तरह के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, और उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया था। अब यहाँ पर हमने ऐसा साबित कर दिया है ऑलरेडी कि ये इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं बचा है, लेकिन जब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ तो ऐसा आ रहा है कि दोनों के बीच में कॉमन 3 3 है अभी, तो दोनों के बीच में 3 कॉमन है, तो मतलब ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन में जा रहे हैं, और इसका मतलब कि अगर कॉन्ट्राडिक्शन में जा रहे हैं तो हमने जो ये माना है कि ये रेशनल नंबर है, ये गलत बात है, ये रेशनल नंबर नहीं है। अगर रेशनल नंबर नहीं है तो फिर ये क्या हो सकता है, तो फिर दूसरा ऑप्शन है कि वो इरेशनल नंबर ही हो सकता है, रूट 3 इरेशनल नंबर ही हो सकता है। तो ये हमें दो स्टेटमेंट मिल जाते हैं हमारे एग्जांपल से कि रूट 2 रूट 3 जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, और आगे जो सम दिए हुए हैं हमारे बुक के अंदर एक्सरसाइज में इन्हीं दो एग्जांपल्स को यूज़ करके कि रूट 3 और रूट 2 इरेशनल होते हैं, ये स्टेटमेंट अब हमारे लेमा बन गए हैं, ठीक है, ये प्रूवन फैक्ट हो गए हैं। तो अब इनका यूज़ करके 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएंगे कि वहाँ पर रूट 3 और रेशनल दिखाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे साबित किया है कि रूट 3 और रूट 2 इरेशनल होते हैं। वहाँ पर हमें रूट 3 जब हम सॉल्व करेंगे सब हमारे, तो रूट 3 रूट 2 जो हैं वो रेशनल फॉर्म में दिखाई देंगे, तो तब हम वहाँ पे इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे कि हमें पता है पहले से ही कि रूट 2 और रूट 3 जो हैं वो इरेशनल नंबर हैं, इसलिए हमारा यहाँ का जो सम है वो भी रॉन्ग हो रहा है, वो भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए जो दिया हुआ सम है वो भी इरेशनल नंबर है, ऐसा यूज़ करेंगे इस स्टेटमेंट को, ठीक है। अब आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन के अंदर कि हमारा 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि रूट 5 को साबित कीजिए कि ये इरेशनल नंबर है, सो कीजिए कि ये
root 5 इज़ अ इरेशनल नंबर. सो प्रूव दैट रूट 5. तो पहले तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि सपोज़ या लेट कर लो, सपोज़ रूट 5 इज रेशनल नंबर. ठीक है, पहली बात तो ये मान ली कि हमने ये रेशनल नंबर है. ठीक है, इट मींस रेशनल नंबर है तो हम इसे पी बाई क्यू वाले फॉर्म में लिख सकते हैं. एंड पी एंड क्यू हैज़ कॉमन फैक्टर अदर देन 1. तो वो कॉमन फैक्टर डिवाइड हो जाएगा. सो कॉमन मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, कॉमन फैक्टर विल डिवाइड ईच अदर. सो यू विल गेट न्यू इंटीजर्स. तो ये अगर इसको कॉमन फैक्टर्स एक दूसरे को डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट न्यू नंबर्स ए एंड बी. अब ये ए एंड बी आर को प्राइम. तो को प्राइम का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में भी अब कोई भी ए और बी के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर बचा नहीं है वन के अलावा. को प्राइम की डेफिनेशन ये होती है. सो अब हम इसको आगे फिर से सॉल्व करेंगे. तो बी यहाँ लेकर के आएंगे तो ये बन जाएगा रूट 5 बी और ए. अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर कर दे रहा हूँ. रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है और बी का स्क्वायर बी होगा. ठीक है, अब ये 5 यहाँ पर आएगा तो ये ए स्क्वायर डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, बचेगा बी स्क्वायर. मीन्स 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर. सो फ्रॉम थियरम हैंस 5 डिवाइड्स ए 2. ए को भी डिवाइड करेगा, कैसे पता चला? सो फ्रॉम थियरम 1.3. ठीक है, थियरम 1.3 से ये हम साबित कर रहे हैं कि जो 5 होगा वो ए को भी डिवाइड करेगा, मीन्स स्क्वायर रूट को भी, ए स्क्वायर के रूट को भी डिवाइड करेगा. अब सो ये हमारा इक्वेशन 1 है, एक तरह से हम ले सकते हैं. देन इसके बाद में अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए बाय 5. स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे कि ए को 5 डिवाइड कर सकता है, तो इसका मतलब कुछ आंसर आएगा सी. इसको हम फिर ऐसे कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू 5c, 5 इधर जाएगा. देन अब इसका स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख देंगे. इक्वेशन 1, सो यहाँ ले लेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर. अब ए के प्लेस पे लिखना है हमें 5c, ये हो जाएगा 5c का स्क्वायर और ये हो जाएगा 5b का स्क्वायर. जब इसके स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25c स्क्वायर और ये हो जाएगा 5b स्क्वायर. अब ये 5 यहाँ नीचे आएगा तो इसको कट करेगा, डिवाइड करेगा, 5 5 25, तो यहाँ बचेगा 5c स्क्वायर और b स्क्वायर. तो अब ये 5 यहाँ जाएगा तो ये इसको डिवाइड करेगा, बी स्क्वायर डिवाइड बाई 5. मीन्स 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर. सो हैंस इसलिए 5 डिवाइड्स बी 2. बी को भी डिवाइड करेगा कहाँ से? थ्योरम 1.3 से. आप दोबारा लिख दीजिएगा थ्योरम 1.3. थ्योरम 1.3 उसकी मदद से हम ऐसा कह सकते हैं कि 5 बी को भी डिवाइड करेगा. तो अब यहाँ तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, बट ए एंड बी आर को प्राइम. सो हियर आवर एजप्शन मीन्स आवर स्टेटमेंट सो रूट सो हेयर आर एजम्पशन रूट 5 इज रेशनल नंबर इज कॉन्ट्राडिक्टिंग this result. ओके, कि हमने जो माना था कि रूट 5 जो है वो रेशनल नंबर है और वो को प्राइम नंबर से, इसके जो रेशनल फॉर्म है वो को प्राइम नंबर है, बट यहाँ तो इसका कॉमन फैक्टर निकल रहा है, 5 निकल रहा है, दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है ए और बी के बीच में, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. इट मीन्स ये रेशनल नंबर नहीं है. सो हैंस जो रूट 5 इज इरेशनल नंबर.
रूट फाइव इज इर रेशनल नंबर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि रूट फाइव क्यों इरेशनल नंबर नहीं है। कुछ स्टेट की जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होती हैं वहाँ पर ये क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के, और गुजरात बोर्ड की एग्ज़ाम में तो लगभग बहुत ही रेयरली पूछे जाते हैं, बहुत कम पूछे जाते हैं, तो करवाए भी नहीं जाते हैं। सो बट बाकी स्टेट में किए जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर सॉल्व करवा दिया है, अदरवाइज़ लोग स्किप कर देते हैं इन क्वेश्चंस को। देन अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर है टू, टू प्लस रूट थ्री, ओके, थ्री प्लस टू रूट फाइव इज इरेशनल नंबर, इज इरेशनल, ठीक है, इट्स इरेशनल, थ्री प्लस रूट फाइव इज इरेशनल, इसे साबित करना है। तो जैसा कि अभी तक हम करने आए हैं, हमने थ्री सम्स कर लिए हैं, रूट थ्री, रूट टू और रूट फाइव को प्रूव कर दिया है कि वो इरेशनल नंबर्स हैं। अब उन्हीं का यूज़ करके और उन्हीं स्टेप्स को यूज़ करके इसे भी करना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, पहले सपोज करेंगे, फर्स्ट सपोज कि थ्री प्लस रूट फाइव इज रेशनल नंबर। हमने उल्टी चीज़ मान ली कि ये रेशनल है। अब रेशनल है तो इसको हम डिनोमिनेटर वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको लिख देने के बाद में इन दोनों के बीच में हम डायरेक्टली अब यहीं पे मान ले रहे हैं कि ये कोई को प्राइम नंबर नहीं होगा, कॉमन फैक्टर है भी, स्टेप्स को छोटा करने के लिए, क्योंकि उन स्टेप्स का कोई मतलब नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग हम कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली अब यहाँ पर इसको ए बाई बी ले रहे हैं, ठीक है, और जहाँ पर ये ए एंड बी आर को प्राइम, ठीक है, दे आर को प्राइम एंड सो इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है वन के अलावा। अब ये को प्राइम हो गए तो अब इसको हम एक्सचेंज करेंगे, क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे कि ये हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए और हम रूट फाइव को अकेला कर देंगे। तो यहाँ पर हमें थ्री को हम इस तरफ लेके आ सकते हैं, तो ये बन जाएगा रूट फाइव और ए बाई बी माइनस थ्री, थ्री इधर आया तो माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस हो गया है एंड देन टू को भी हम चाहें तो यहाँ नीचे ला सकते हैं और ये वन बाई टू हो जाएगा, इसको काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो इसे हम यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसको हम सॉल्व करते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये a इज़ इक्वल टू माइनस थ्री बी बाई बी ऐसा आएगा। अब क्योंकि a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है, आर इंटीजर्स, सो इसको सॉल्व करने के बाद में कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। a माइनस थ्री बी बाई बी, इसको कम्प्लीटली अगर यहाँ पे इंटीजर्स रख दिए जाएँ, ये टू है, ये फोर है, सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा और वो नंबर रेशनल नंबर होगा। तो ये भी इंटीजर्स हैं, इसको सॉल्व कर देंगे तो आफ्टर सॉल्विंग इट, आफ्टर सॉल्विंग एक मिनट, सॉल्यूशन ऑफ दिस टर्म विल बी रेशनल नंबर, कुछ भी आएगा, प्लस में आए माइनस में आए, वो रेशनल होगा, ठीक है, रेशनल होगा। तो इसका मतलब हम उसे ये p बाई क्यू वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रेशनल होगा। अब ये रेशनल है तो मीन्स अब मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, इज रेशनल, ठीक है, बट और अगर ये रेशनल है तो फिर ये रूट फाइव हो जाएगा रेशनल डिवाइड बाय टू, टू को हम यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा रेशनल डिवाइड बाय टू। अभी रेशनल नंबर को अगर टू से डिवाइड कर भी दोगे, नीचे अपॉन में टू लेकर के आ भी जाओगे, तब भी वो रेशनल ही रहने वाला है, क्योंकि पी अपॉन क्यू फॉर्म में जिस चीज़ को लिख सकते हैं उसी को तो रेशनल कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि अगर इस रेशनल को मैं यहाँ पर ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखता कि इसका सॉल्यूशन रेशनल आ रहा है, तो दूसरे ऑप्शन में ये ऐसी बात हो जाती है कि टू रूट फाइव इसका सॉल्यूशन रेशनल आता है, रेशनल आता है, इसका मतलब इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये आ गया तो टू इधर आ जाएगा, तो इससे कोई बड़ा पहाड़ टूटने वाला नहीं है कि टू नीचे आ जाएगा, क्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कुछ बदल जाएगा, ये अभी भी रेशनल है, ठीक है, ये टू नीचे आ जाने के बाद में अभी भी रेशनल फॉर्म में है। तो अगर ये रूट फाइव रेशनल है, दोनों ही केस में रेशनल आ रहा है, अभी भी ये
रेशनल ही है, आपको जो मन करे आप वैसा ले सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। बट अब यहाँ पे आता है बड़ा वाला बट। क्या बट? कि हमने तो पहले देखा हुआ है, वी नो, व्हाट वी नो, वी नो दैट रूट फाइव इज इरेशनल नंबर। रूट फाइव इज इरेशनल। अगर रूट फाइव इरेशनल है, ठीक है, तो हमारा जो ये सामने ये पूरा ये हमने टर्म लिया हुआ है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये भी इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, सो कहने का मतलब कि हमारा ये जो टर्म है कॉन्ट्राडिक्शन शो कर रहा है। रूट फाइव रेशनल हो नहीं सकता, रूट फाइव तो इरेशनल होता है। सो देयरफोर हमारा जो ये पूरा टर्म है थ्री प्लस टू रूट फाइव इज इरेशनल। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, हमें साबित करना है कि ये इरेशनल है। ठीक है, तो हम बिल्कुल वही स्टेप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि अगर इसको इरेशनल साबित करना है तो पहले तो हम इसका उल्टा मानते हैं कि ये रेशनल है। अभी रेशनल है तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, ए बाई बी फॉर्म में, और ये ए बी इस तरह से लिखा हुआ है कि उनके जो कॉमन फैक्टर थे वो कट होने के बाद में ये फॉर्म आया हुआ है। तो ए बी जो है वो को प्राइम है, ए बी आर को प्राइम, इनके बीच में कुछ भी कॉमन बचा नहीं है वन के अलावा। ठीक है, ये को प्राइम है तो ये बी को फिर हम अब इसे हम स्टेट इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि रूट फाइव यहाँ अकेला रह जाए, तो थ्री को हम यहाँ लेकर के आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस हो गया है सो इसको सॉल्व करते हैं तो ये बी इधर आएगा तो थ्री बी हो जाएगा, थ्री बी बाय बी। अब चाहें तो इस बी को यहाँ पे भी ला सकते हैं तीसरे फॉर्म में, अगर ये ना करना हो तो यहाँ से एक और कंडीशन कर सकते हैं कि यहाँ से हम ऐसा भी कर सकते हैं कि टू रूट फाइव ये आया हमारा ए माइनस थ्री बी बाय बी, ये टू को यहाँ लेकर के आ जाएंगे तो ये ए माइनस थ्री बी डिवाइड बाई टू बी, टू यहाँ नीचे आ गया तो यहाँ बचा ये। अब ये ए और बी, ए एंड बी आर इंटीजर्स, जैसा कि हमने यहाँ पहला लिखा हुआ है, ए और बी कहाँ गया, ए और बी ये इंटीजर्स है, मीन्स कोई नंबर है, वन टू थ्री फोर फाइव कुछ नंबर्स है, और उनकी वैल्यू अगर यहाँ पे रखते हैं इंटीजर्स में नेगेटिव भी रखते हैं, अगर नेगेटिव भी है वैल्यू रखते हैं ए और बी की, तो कुछ ना कुछ सॉल्व होकर के ये कोई ना कोई नंबर आएगा, और वो नंबर जो होगा यहाँ पर वो p by q वाले फॉर्म में ही आएगा। यहाँ ऊपर सॉल्व करेंगे तो कुछ आएगा, यहाँ नीचे सॉल्व करेंगे तो कुछ आएगा, तो इसका मतलब ये रेशनल वाले फॉर्म में होगा, मीन्स ये रेशनल है, ये रेशनल है। तो ये क्या, ये तो रूट फाइव के इक्वल में आ रहा है कि ये रेशनल है, बट हम जानते हैं कि रूट फाइव तो ये रेशनल है। सो कहने का मतलब क्या हुआ, हमने जो माना है वो रॉन्ग है, रेशनल नहीं है, थ्री प्लस रूट फाइव ये इरेशनल ही है, इस तरह से ये साबित हो सकता है। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, चलो तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थ्री, जिसमें तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं, वन बाय रूट टू और सेवन रूट फाइव और सिक्स प्लस रूट फाइव रूट टू, इन तीनों को हमें रेशनल इरेशनल नंबर हैं ऐसा शो करना है, ऐसा प्रूव करना है। तो फर्स्ट वाला हम लेते हैं कि सपोज वन बाय रूट टू इज़ अ रेशनल नंबर, वन बाय टू, अरे वन बाय रूट टू इज़ अ रेशनल नंबर, तो उसे हम ए बाय बी फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर ए और बी ये को प्राइम नंबर हैं और साथ में इंटीजर भी हैं, या को प्राइम इंटीजर ऐसे भी लिख सकते हैं, को प्राइम इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स में ये वन टू थ्री फोर फाइव प्लस में, वन टू थ्री फोर फाइव माइनस में, मीन्स कोई भी आ सकता है इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये ए और बी इंटीजर्स हैं, को प्राइम है, को प्राइम मीन्स इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इस तरह से हमने रेशनल नंबर लिए हैं, ऐसे फॉर्म में लिए हुए हैं। अब यहाँ पर हम रूट टू को जो है वो न्यूमरेटर में ले आएंगे, और उसको लाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे प्रोकल कर देना है, तो ये बी बाय ए हो जाएगा ऐसे। अब नीचे का जो वन होता है वो तो लिखते नहीं है तो चलता है, सो बी बाय ए। अब यहाँ पे दिख रहा है कि ये बी बाय ए है, बी बाय ए इज ऑल्सो रेशनल। ठीक है, सो इसका मतलब रूट टू इज इक्वल टू रेशनल, बट दिस स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट दिस स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर, इज इरेशनल नंबर। सो इरेशनल
So this statement contradicts that the fact contradicts the fact that root 2 is irrational. So or hence our question 1 by root 2 is our assumption. Hence our assumption 1 by root 2 is rational is फॉल्स. इसलिए हमने जो माना था कि 1 बाई रूट टू जो है वो एक रेशनल नंबर है वो फॉल्स है. और सो हैंस 1 बाई रूट टू इज इरेशनल. ये हो गया प्रूफ और इस वजह से ये इरेशनल नंबर है. ठीक है, अब ऐसा ही हमें कुछ सेकंड वाले सम के लिए करना है कि 7√5 करना है. तो हमें जहाँ जहाँ पर हमने ये 1√2 लिया हुआ वहाँ वहाँ हम मिटा करके 7√5 लिख सकते हैं. स्टेटमेंट सारे सेम रहने वाले हैं कि 7√5 ये मान लिया कि हमने सपोज कर लिया कि ये रेशनल नंबर है. अगर ये रेशनल नंबर है तो जहाँ जहाँ पर ये लिखा हुआ है वहाँ पर पहले तो हम ये लिख देते हैं. ठीक है, इसके बाद में फिर आगे बात करेंगे कि माना चलो तो ये 7√5 इज रेशनल नंबर. तो रेशनल नंबर जिसको हम a बाई बी वाले फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पर a और b जो है वो को प्राइम इंटीजर्स हैं. मीन्स इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचा है 1 के अलावा. अब यहाँ पर हम इस 7 को नीचे लेकर के आएंगे तो यहाँ बचेगा खाली √5 और इसे हम ऐसे ही रहने देंगे. ये a b है, हमने क्योंकि रेसिप्रोकल नहीं किया है बस 7 को नीचे लाए हैं तो ये बन जाएगा 7b. तो क्योंकि अब ये जो हमारा a बाई 7b ये रेशनल नंबर है. क्यों? बिकॉज जो ए एंड बी आर इंटीजर, ये दोनों इंटीजर्स हैं. जो इंटीजर्स होते हैं वो ए बाई बी फॉर्म में रहते हैं तो उन्हें रेशनल नंबर ही कहते हैं. तो 7a/7b ये भी रेशनल नंबर ही होगा. तो इसका मतलब √5 जो है वो रेशनल है. √5 इज रेशनल. एंड बट दिस स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर. तो यहाँ पर √2 के प्लेस पर 5 लिख देंगे. √5 इज अ इरेशनल नंबर. सो फिर से देख लेते हैं कि √5 यहाँ पर रेशनल आया. हमने जितना साबित किया उसमें से √5 जो है वो रेशनल आया. बट अब ये जो प्रूव हुआ है लेकिन ये तो हमारा जो स्टेटमेंट है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है. या ये वाला जो स्टेटमेंट आया है, ये वाला इक्वेशन जो आया है, प्रूवन फैक्ट है, ये तो हमारा जो ओरिजिनल फैक्ट है कि √5 वो इरेशनल नंबर है उसके अपोजिट जा रहा है. √5 इरेशनल नंबर है ये हम जानते हैं. तो यहाँ पर तो इरेशनल आ रहा है, इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. इससे हम इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो माना है कि ये 7√5 ये इरेशनल है, ये बात गलत है. तो यहाँ पर 7√5 लिख देंगे. 7√5 ये रेशनल है ऐसा जो हमने माना है. हमारा जो एजम्पशन है 7√5 ये रेशनल है, ये बात तो गलत हो गई, फॉल्स है. इसका मतलब क्या हुआ कि वो इरेशनल है. रेशनल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इरेशनल है. सो 7√5 इज इरेशनल नंबर. ठीक है, 7√5 इज इरेशनल नंबर. पहले हम क्या करते हैं, 7√5 को रेशनल मान लेते हैं. रेशनल है तो ए बाई बी फॉर्म में लिख सकते हैं. ए बाई बी फॉर्म में है तो उसका मतलब ए और बी जो को प्राइम होते हैं बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है. 7 को यहाँ लेकर के आए, 7 डिवाइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया बी के साथ में. लेकिन ए बाई बी और ये 7 इन सब को सॉल्व करते हैं तो लास्ट में ये एक रेशनल नंबर ही रहेगा. ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि √5 जो है ये भी रेशनल आएगा. इसका सॉल्यूशन रेशनल ही आता है. कोई ना आंसर आएगा वो रेशनल रहेगा. क्योंकि रेशनल वर्ल्ड का कोई भी नंबर ले लो उन सब के नीचे 1 छुपा हुआ रहता ही है तो वो रेशनल फॉर्म में है ही. लेकिन इस √5 को हम रेशनल यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं. लेकिन ये जो हमें पता है कि √5 जो है पहले हमने एक एग्जांपल्स में सॉल्व किया हुआ और ये फैक्ट है कि √5 इज़ अ इरेशनल नंबर. तो जो यहाँ पर रेशनल आ रहा है वो गलत बात है. इसका मतलब हमने जो माना है वो रॉन्ग है. 7√5 इज़ अ रेशनल नंबर, दैट इज़ फॉल्स. तो अगर वो रेशनल नहीं है इसका मतलब वो इरेशनल है. इसी तरह से हम 6 + √2 वाले को भी सॉल्व कर देंगे. तो अब यहाँ पर हम लेते हैं 6 + √2. यहाँ जहाँ जहाँ पर हमारा √5 है इसको हम हटा दे रहे हैं कि हमें दिक्कत ना हो. ये यहाँ पर हटा दे रहे हैं और यहाँ पर हटा दे रहे हैं. ठीक है, देन स्टेटमेंट सारे सेम रहेंगे. सपोज
सिक्स प्लस रूट टू इज अ रेशनल नंबर, तो सिक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू ए बाई बी ऐसा लिख सकते हैं, और ए बी जो है वो को प्राइम इंटीजर हैं, कोई भी फैक्टर नहीं है कॉमन दोनों के बीच में। सो अब इसके बाद में हम आगे करेंगे रूट टू को अकेला, और ये हो जाएगा ए बाई बी माइनस सिक्स। अब यहाँ पर ए बाई बी माइनस सिक्स जो है, ए बाई बी माइनस सिक्स ये ए है, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये कोई रेशनल नंबर ही आंसर आएगा। सॉल्व करेंगे ए बाई बी को सॉल्व करेंगे तो लास्ट में जो कुछ बचेगा वो एक रेशनल नंबर ही आएगा, उसको आप कोई भी नंबर रख करके देख सकते हैं आपको रेशनल ही मिलेगा। सो इसका मतलब हमारा जो रूट टू है वो यहाँ से रूट टू जो है वो रेशनल आ रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि दिस स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट टू इज़ इरेशनल। रूट टू हमें पता है कि वो तो इरेशनल है, लेकिन यहाँ तो रेशनल आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो माना है कि ये सिक्स प्लस रूट टू इज रेशनल नंबर इज़ फॉल्स, और इसका मतलब हैंस ये सिक्स प्लस रूट टू इज़ अ इरेशनल नंबर, सिक्स प्लस रूट टू इज़ अ इरेशनल नंबर। सो यहाँ हमारा एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4। तब तक के लिए सबक खैर, थैंक यू।